अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद नवनीत राणा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। नवनीत राणा ने सोमवार को एक चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं से कहा कि वो वोटरों को बूथ पर लाने का काम करे, वो इस भ्रम में ना रहे कि मोदी लहर है। नवनीत राणा के इस दावे के एक दिन बाद ही विरोधी दल उन पर हमलावर हो गए। मंगलवार को महाविकास अघाड़ी के उद्धव गुट और पवार गुट ने कहा कि नवनीत राणा सच बोल रही है, जो बीजेपी खुद जानती है कि मोदी लहर नहीं है। ये बीजेपी के तरीके में दिख रहा है कि वो बीजेपी के नेता के तौर पर मैदान में नहीं उतर रही है। दरअसल नवनीत राणा ने सोमवार को अपने अमरावती लोकसभा सीट में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। बैठक में मीडिया को अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके बयान देने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राणा कार्यकर्ताओं से कहती हुई नजर आ रही हैं, हमें ये चुनाव ऐसे लड़ना होगा जैसे कि ये ग्राम पंचायत चुनाव हो। हमें दोपहर 12 बजे तक सभी मतदाताओं को बूथ पर लाना होगा और उन्हें वोट देने के लिए कहना होगा। इस भ्रम में मत रहिए कि मोदी लहर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले चुनावों में मोदी लहर के बावजूद मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थी। दरअसल नवनीत राणा ने 2019 में अविभाजित एनसीपी की ओर से समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट जीती थी और वो इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वही राणा के इस बयान पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा, मोदी लहर के बारे में भूल जाइए, क्या मोदी अपनी सीट पर जीत पाएंगे ये बड़ा सवाल है। हमारी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी को केवल 45 सीटें ही मिलेगी और महाविकास अघाड़ी राज्य के सभी 48 सीटें जीतेगी। यहां तक कि बीजेपी के अपने उम्मीदवार भी पहले ही सच बोल रहे हैं और वो भी खुले तौर पर कह रहे हैं कि इस बार मोदी की लहर नहीं।